जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये दरअसल हमने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, और ये एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2023 के रिगार्डिंग जो स्टेट वाइज वैकेंसी का डिटेल से ब्यौरा है उसी के बारे में एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जारी किया है, ये डाला हुआ है, तो वहीं से हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है। और ये आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप देख लीजिए कि किस स्टेट में किस रीजन में आपको कितनी वैकेंसी रहने वाली है, और उसी के हिसाब से जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो आप अपना स्टेट का प्रीफरेंस दें, ठीक है। नहीं तो होगा क्या दोस्तों कि आपसे कम नंबर लाने वाला बच्चा सिलेक्शन लेकर चला जाएगा, और आप ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी आप अगर सही से स्टेट का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो आप जब भी स्टेट प्रेफरेंस दें, रीजन प्रेफरेंस दें कि भाई आप किस रीजन से किस स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ पर हम दे रहे हैं और क्या हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए आपको हम पहले इसका ब्यौरा समझा देते हैं कि रीजन वाइज स्टेट वाइज कितनी कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ से ज़्यादा वैकेंसी है, और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर आपके सिलेक्शन की चांसेज भी बनते हैं, वहीं से आपको जो है सिलेक्शन होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। तो आप उन राज्यों को प्रेफरेंस के तौर पर निश्चित रूप से डालेंगे जहाँ पर वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है। तो आइए आप दोस्तों आपको हम समझाते चलते हैं, बताते चलते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा NWR, देखिए दोस्तों यहाँ पर NWR आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहां देखिए दोस्तों NWR दिख रहा होगा। NWR का मतलब है नॉर्थ वेस्ट रीजन। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको कौन कौन से राज्य आने वाले हैं, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, यूटी ऑफ लद्दाख है। और अब पंजाब में देखेंगे तो टोटल आपको जो है 227 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 155 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आपको 132 है, हिमाचल प्रदेश में 97 है, हरियाणा में 206 है, और यूटी ऑफ लद्दाख में आपका 2 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि किस राज्य में कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, ठीक है। वही अगर हम आगे बढ़ें तो आपको नॉर्दर्न रीजन में जाएंगे, नॉर्दर्न रीजन में आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको दिल्ली आने वाला है, राजस्थान आएगा, उत्तराखंड आएगा, और ज़्यादा वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में 2168 वैकेंसी है, राजस्थान में 55 वैकेंसी है, वही उत्तराखंड की बात कर लें तो 501 वैकेंसी है, टोटल मिला के आपका 2724 वैकेंसी हो जाता है। वही अगर आप सेंट्रल रीजन की बात कर लें, सेंट्रल रीजन में आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल रीजन में आप देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य आते हैं, और उत्तर प्रदेश में 772 वैकेंसी है, बिहार में 191 वैकेंसी है, टोटल मिला के 993 वैकेंसी हो जाता है। ईस्टर्न रीजन में हम देखें तो यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, झारखंड आ गया, सिक्किम आ गया, अंडमान एंड निकोबार आ गया, ठीक है। तो ये सभी राज्य ईस्टर्न रीजन में आते हैं जहां पर आप सबसे ज़्यादा वैकेंसी देख पाएंगे। वेस्ट बंगाल में 454 है, उड़ीसा में 43 वैकेंसी है, झारखंड में 75 है, सिक्किम में 16 वैकेंसी है, और अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी है, टोटल आपका 579 वैकेंसी है। एनिया नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन की बात कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, असम है इसमें, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको असम में मिलेगा, 164 आप ऐसे ही आगे आप देख सकते हैं, 8 है, 13 है नागालैंड में, मेघालय में 55 वैकेंसी है, और सब मिलाकर आपको जो है 286 नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में आपको वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, MPR मध्य प्रदेश रीजन में आप देखेंगे तो आपको टोटल 239 वैकेंसी है, 239 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में आप देखेंगे तो इसमें आपको मध्य प्रदेश रीजन में आपका चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश आता है, चंडीगढ़ में आपको जो 18 वैकेंसी है देख सकते हैं। वेस्टर्न रीजन की बात कर लें तो इसमें देखिए आपको कौन कौन से राज्य आने वाले हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, और दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। इसमें सबसे वैकेंसी आपको महाराष्ट्र में ज़्यादा है, 1770 है टोटल वैकेंसी आपका इस रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन यहाँ पर देख सकते हैं 1908 है। साउथर्न रीजन में देखेंगे, साउथर्न रीजन में आपका ऑल इंडिया में आप देखेंगे तो आपको वैकेंसी आपको यहाँ मिलेगा 10। आंध्र प्रदेश में आप 153 है, तेलंगाना में
504 है, तमिलनाडु में 468 है, पुदुचेरी में 50 वैकेंसी है। टोटल आपको 1185 वैकेंसी इस रीजन में। केकेआर में आप देखिए कर्नाटका आता है, केकेआर में आप देख पाएंगे कर्नाटका है, केरला है, लक्षद्वीप है। ज़्यादा वैकेंसी आपको कर्नाटका में 375, उसके बाद से सब टोटल मिला के 548 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, और इसके आधार पर आप जब भी स्टेट का प्रीफ्रेंस दे, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे एसएससी एमटीएस का, तो वहां पर आपको स्टेट का प्रीफ्रेंस मांगा जाएगा। तो आप देख लीजिए कि कहां पे ज्यादा वैकेंसी है, वहां पर आप अगर प्रीफ्रेंस डालते हैं तो आपको सहूलियत होता है कि वहां पर सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा होती है। जहां पर वैकेंसी कम है वहां पर आपको ज्यादा फाइट करना पड़ेगा। तो आप जब भी स्टेट प्रेफरेंस दें तो इसके अकॉर्डिंग ही दें, तो आपके लिए सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा अपडेट, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम अगले सेशन में